समन्वय समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल को नहीं देख रही है। 5 साल में जयराम सरकार ने जनहित में कोई कार्य नहीं किया, केवल प्रदेश को कर्ज के बोझ में डुबोने का काम ही किया है। भाजपा ने 2017 में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जो गारंटी दी थी उन्हें लागू करने का काम भी शुरू कर दिया है और आने वाले 5 साल में कांग्रेस पार्टी सभी गारंटियों को पूरा करेंगी। और आज जो इन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है उसकी मीटिंग हुई, इनकी अध्यक्षता में हुई मीटिंग, और उसमें भी हमने हर वार्ड का फीडबैक लिया है और ये भी फैसला किया है कि दिन के 2 बार कोऑर्डिनेशन कमेटी हर मेंबर यहाँ होगा, वो फीडबैक जो है 2 बार हर वार्ड का लेंगे, जहाँ जहाँ कमी होगी जिसकी भी वहाँ से मांग होगी कि इस नेता को भेजो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है उनको वहाँ डिप्यूट करेगी। और ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी का नगर निगम अब के बाद 3/4 बहुमत से शिमला नगर निगम पर कब्जा करेगा और नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर जो है कांग्रेस पार्टी का होगा। कांग्रेस पार्टी ने कल ही प्रधान जी ने एक जो है नगर निगम की तरफ से चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, चुनाव घोषणा पत्र विस्तृत तौर पे दिया गया है और शिमला नगर निगम के सभी मतदाताओं से, प्रबुद्ध मतदाताओं से वायदा किया है कि नगर निगम शिमला कांग्रेस पार्टी की बनेगी, तो नगर निगम की सिफारिश पर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है शिमला को, शिमला का सौंदर्यीकरण करने के लिए, शिमला के जो कंजेशन है उसको दूर करने के लिए, शिमला के हर वार्ड में एम्बुलेंस गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और सामुदायिक केंद्र हर वार्ड में स्थापित करने के लिए जो है नगर निगम प्रयास करेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसका हर समर्थन जो है करेगी। जहां कहते हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर जो हमने जस गारंटियां दी लोगों को दी थी उसमें से 3 गारंटियां जो है पूरी कर दी है, इसकी भी बीजेपी को बड़ी पेट में दर्द हो रही है, कहते हैं 10 गारंटियां नहीं की है। मैं जयराम सर से पूछना चाहता हूं, आप अपना चुनाव घोषणा पत्र उठा करके देखिए, पिछले 5 साल पहले जो आपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए थे कोई भी वायदा पूरा किया? जब श्री वीरभद्र सिंह की सरकार होती थी वो मैनिफेस्टो लागू करने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी गठन करते थे और बाकायदा फीडबैक हर 3 महीने लेते थे और 90-95% वायदे जो हम देते थे कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको पूरा करते थे। जयराम सरकार ने तो कोई चुनाव घोषणा पत्र नहीं किया, हिमाचल प्रदेश को ऋण के नीचे डुबो करके रख दिया है।